हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MA-201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम में टाइप्स ऑफ लोड्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स, ये दो जो तो टॉपिक हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोड पे चलते हैं, या जो भार लगाने के तरीके हैं वो कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला जो लोड आता है हमारा, वो आता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड को हिंदी में सकेंद्रित भार या बिंदु भार भी कहते हैं। इसको इस प्रकार से लगाया जाता है कि मान लीजिए मैंने एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम ली है, इसकी जो लंबाई है वो L है और इसके सेंटर पे मैंने W लोड लगाया है। तो ये जो W लोड है ये एक पॉइंट पर लग रहा है, किसी भी बिंदु पर ये लग सकता है। जो इसका बिंदु है वो फिक्स है और उसी बिंदु पर ये लगेगा। तो ए और बी पॉइंट पर मैंने किसी भी एक बिंदु को ले लिया और उस पर W फोर्स या W वेट लगाया है, तो ये जो लगाने का तरीका है ये पॉइंट लोड कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दो तरीके से लगाया जाता है, पहला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और दूसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो जो पहला है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हिंदी में एक समान वितरित भार भी कहते हैं। इसको लगाने का जो तरीका वो ये है कि मान लीजिए मैंने ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली है जिसकी जो लंबाई है वो एल है और इसके ऊपर मैंने एक स्मॉल डब्ल्यू लोड लगाया है। तो जो टोटल लोड होगा बीम के ऊपर वो कैलकुलेट होगा कैपिटल W बराबर स्मॉल W इनटू जो बीम की लंबाई है। यहाँ पर जो बीम की लंबाई है वो L है, तो जो टोटल लोड होगा वो स्मॉल W इनटू L होगा। अब मान लीजिए किसी इकाई लंबाई पे या यूनिट लेंथ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो स्मॉल W बराबर कैपिटल W अपॉन L के जी पर मीटर जो है वो वेट लगेगा। केजी यहाँ पर W की यूनिट है जबकि जो मीटर है वो जो लंबाई है उसकी यूनिट है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए जो यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है इसको जो लगाया जाता है वो इस तरीके से लगाया जाता है कि मान लीजिए ए बी मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली है जिसकी जो लंबाई है वो L है। तो ये जो लोड है ये जैसे जैसे लंबाई आगे बढ़ती जाएगी ये जो लोड है इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी आगे जाते जाते बढ़ती जाएगी। जैसे ए पॉइंट पर जो लोड है वो ज़ीरो है जबकि बी पॉइंट पर है वो मैक्सिमम है। तो इस तरीके से जो ये लोड है ये जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो लोड है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से ये एक समान रूप से बदलते भार लगाए जाते हैं या यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो भार लगाने के तरीके हैं वो मेनली हमारे दो तरीके ही हैं, एक तो पॉइंट लोड है और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हिंदी में एक समान वितरित भार कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको UDL भी कहते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स ऑफ द बीम। मान लीजिए कोई भी बीम ए बी है जिसकी लंबाई जो है वो एल है और इसके ऊपर मैंने एक लोड लगाया है W। तो जो W लोड लगा है उसकी दूरी जो ए पॉइंट से है वो एल वन है जबकि W की जो दूरी बी पॉइंट से है वो एल टू है और एल वन प्लस एल टू बराबर एल है हमारा। तो जैसे इस बीम के ऊपर W लोड लगेगा तो जो बीम है वो रिएक्शन डेवलप करेगी या प्रतिक्रिया जनरेट करेगी। जो प्रतिक्रिया जनरेट होगी वो हमेशा सपोर्ट पे होगी। तो जो सपोर्ट्स हैं यहाँ पर वो ए और बी हैं, तो ए पॉइंट पर जो प्रतिक्रिया जनरेट होगी उसको मैं आर ए से दिखाऊंगा जबकि जो बी पॉइंट पे प्रतिक्रिया जनरेट होगी वो आर बी से दिखाई जाएगी। तो जब भी हमको प्रतिक्रिया कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन हैं। ये दो कंडीशन वैलिड जब भी होंगी जब जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में होगी।
तो जो दो कंडीशन है हमारे पास, जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जो समेशन फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि बीम के ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो ज़ीरो होने चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है हमारी वो है कि जो मूवमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, जो बीम के ऊपर मूवमेंट लग रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो होनी चाहिए, सारे मूवमेंट जो हैं वो एक दूसरे से कैंसिल होके ज़ीरो हो जाने चाहिए। उसी तरीके से जो सारे फोर्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल होके ज़ीरो हो जाने चाहिए, सभी बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो अगर मैं अपनी पहली कंडीशन का इस्तेमाल करूँ जो कि मेरी है कि जो बीम है उसके ऊपर सारे फोर्स ज़ीरो होने चाहिए, तो जो बीम है हमारी इसके ऊपर अभी तीन फोर्स डेवलप हो रहे हैं, एक तो जो W लगाए हुआ है बीम के ऊपर, उसके बाद जो बीम रिएक्शन करके सपोर्ट A पे जनरेट कर रही है जो है RA, और RB पे जो जनरेट कर रही है जो कि है RB, तो ये तीन फोर्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं इस बीम के ऊपर। W जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि जो RA हैं और RB हैं ये ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो इससे मेरी एक इक्वेशन बन के आएगी, जो इक्वेशन मेरी है वो है RA प्लस RB बराबर W, इसको मैं इक्वेशन वन का नाम दूंगा। तो इस तरह से मेरी ये पहली इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से जो मेरी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, बीम के ऊपर सारे मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए। तो जो मोमेंट होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी एक पॉइंट से मैं मूवमेंट कैलकुलेट करूँगा और जो मेरा मूवमेंट होगा वो फोर्स इनटू फोर्स की जो दूरी है परपेंडिकुलर, वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके मूवमेंट बताएगा उस फोर्स का। तो यहाँ पर जो मैं मूवमेंट कैलकुलेट करूँगा वो ए पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं जाऊँ कि मान लीजिए RA जो मेरा रिएक्शन है जो कि ए पॉइंट पर डेवलप हो रहा है, उसका जो मूवमेंट होगा वो होगा RA इनटू ज़ीरो, क्योंकि उसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो ज़ीरो है। उसी तरीके से RB का जो मूवमेंट है वो RB इंटू L होगा, क्योंकि जो B पॉइंट है या जो रिएक्शन B पे डेवलप हो रहा है उसकी जो दूरी है A पॉइंट से वो L है, और जो मेरा W है जो बीम के ऊपर लोड लग रहा है उसकी जो दूरी है वो L1 है, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो W इंटू L1 होगा। तो जो मेरी इक्वेशन आएगी वो आएगी RA इंटू ज़ीरो प्लस RB इंटू L बराबर W इंटू L1। तो इसको मैं फर्दर कैलकुलेट करूँगा तो RB इंटू L बराबर W इंटू L1, तो RB की मेरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो W इंटू L1 अपॉन L। तो इस तरीके से मैंने RB की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब इस RB की जो वैल्यू है वो मैं RA में रखूँगा, जो मेरी पहली इक्वेशन थी। तो यहाँ पर मैंने RA प्लस W इंटू L1 अपॉन L बराबर W, तो RA जो है वो मेरा हो जाएगा W माइनस W इंटू L1 अपॉन L, तो RA मेरा जो आएगा वो आएगा W इंटू L माइनस W इंटू L1 अपॉन L। तो RA जो बराबर होगा मेरा W, मैं कॉमन निकालूंगा तो L माइनस L1 बराबर L, जबकि हमें पता है कि जो L1 प्लस L2 है वो L है, यहाँ पर जो टोटल बीम की लंबाई है वो L1 प्लस L2 बराबर L है। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू है L2 की वो निकल के आएगी L माइनस L1, तो इस L माइनस L1 की वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रखूँगा तो RA की वैल्यू मेरी जो निकल के आएगी वो आएगी W इंटू L2 अपॉन L। तो इस तरीके से मैं RA कैलकुलेट करूँगा और RB मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो इस तरीके से हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है उसके लिए RA और RB रिएक्शन क्या होंगी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 4 मीटर है और जो इसका सेंटर है वहाँ पर मैं 500 न्यूटन का एक लोड लगा रहा हूँ, और इसके जो दो पॉइंट हैं ए और बी, जो दो सपोर्ट्स हैं ए और बी, यहाँ पर रिएक्शन जो है वो डेवलप होंगी। तो हमको RA और RB की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या क्या रिएक्शन डेवलप होंगी 500 न्यूटन का जो इसके ऊपर लोड लग रहा है उसके कारण। तो इसके लिए मैं अपनी सबसे पहली कंडीशन जो मेरी है कि समेशन ऑफ फोर्स शुड बी ज़ीरो, तो इसके ऊपर मेरे तीन फोर्स लग रहे हैं, 500 न्यूटन लग रहा है एक ऊपर की तरफ
नीचे की तरफ लग रहा है और जो आर ए और आर बी रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो आर ए प्लस आर बी बराबर 500 न्यूटन, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई अगर बीम साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में है तो। उसके बाद जो मेरी दूसरी कंडीशन है कि जो बीम के ऊपर मूवमेंट है वो ज़ीरो होने चाहिए। अब जो मैं मूवमेंट लूँगा वो किसी एक पॉइंट के अबाउट लूँगा, तो यहाँ पर मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करूँगा। तो जो आर ए मेरा रिएक्शन है उसका जो मूवमेंट होगा वो आर ए इंटू ज़ीरो होगा, क्योंकि उसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो ज़ीरो है, और उसको जोड़ूंगा मैं प्लस होगा आर बी इंटू फोर, क्योंकि जो बी पॉइंट है जहाँ पर रिएक्शन आर बी डेवलप हो रही है उसकी जो दूरी है वो 4 मीटर है, तो आर बी इंटू फोर उसका मूवमेंट होगा। और जो मेरा डब्ल्यू है या जो 500 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है बीम के सेंटर पे उसका जो मूवमेंट होगा वो 500 इंटू टू होगा। तो आर बी मेरा बराबर आएगा 500 इंटू टू अपॉन फोर, तो आर बी की वैल्यू मेरी 250 न्यूटन आएगी। तो इस तरीके से मैंने आर बी को कैलकुलेट करा। अब जो ये आर बी की वैल्यू आई है ये मैं पहली वाली इक्वेशन में डाल दूँगा, आर ए प्लस 250 बराबर 500 न्यूटन। तो आर ए प्लस 250 न्यूटन बराबर 500 न्यूटन, तो आर ए जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 500 माइनस 250, तो आर ए की जो वैल्यू आएगी वो 250 न्यूटन आएगी। तो इस तरीके से जो आर ए है और जो आर बी है या जो सपोर्ट्स हैं इसके ए और बी, यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप हुई है वो 250 न्यूटन और 250 न्यूटन की हुई है। तो इस प्रकार से हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, जबकि उसके ऊपर एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो उसके लिए हमको प्रतिक्रिया कैसे कैलकुलेट करनी है या जो रिएक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था रिएक्शन कैलकुलेट करने का। थैंक यू।